Welcome to English Everyday and today we are going to start a new topic articles. देखिए articles जो होती है वो एक adjective की ही type होती है, लेकिन ये adjective में नहीं पढ़ाए जाते, इनको अलग से पढ़ाया जाता है क्योंकि English language में इनका use जो है वो most important है, बहुत ज़्यादा important होते हैं. क्यों important होते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि articles adjective की कौन सी category होती है. ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, दिस दैट उनमें आते हैं, यानी कि ये नाउन से पहले यूज होते हैं और नाउन की पोजीशन बताते हैं. तो अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं हम. यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26. और अगर हम वैसे बात करें तो वाउल्स कितने होते हैं? 5. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वाउल साउंड्स की. तो जो वाउल साउंड्स हैं वो होती हैं 20 और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो होती हैं 24. तो टोटल साउंड्स कितनी हो गई यहाँ पे? टोटल साउंड्स है हमारी 44. अब देखिए लेटर्स कितने हैं? 26 और साउंड्स कितनी है? 44. तो कितने जरूरी है आर्टिकल्स करना इन चीजों को देख के. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स को मॉडर्न ग्रामर में क्या कहा जाता है? डिटरमिनर्स कहा जाता है. और इनकी टाइप्स देखिए यहाँ पे, ये कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इनडेफिनिट और सेकंड होती है डेफिनिट. मींस इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. अब इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, और डेफिनेट में क्या आता है? द. अब देखिए ए और एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक, प्रति, सब, कोई, प्रत्येक. ये इस तरह से कब प्रयोग होते हैं ये आप अभी पूरी वीडियो देखोगे तो उसमें जैसे जैसे ए और एन के यूजेस आएंगे उसके अनुसार इनके मीनिंग इस तरह से यूज होते हैं. अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इसका जो है वो हिंदी में एक प्रयोगात्मक अर्थ होता है, यानी कि फंक्शनल मीनिंग होता है. इसका कोई स्पेशल स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है. तो फंक्शनल मीनिंग देखते हैं दोनों के क्या होते हैं. अब इसका द का जो फंक्शनल मीनिंग है वो है नाउन की पोजीशन निश्चित बनाने के लिए, यानी कि नाउन जो है उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए, उसको विशेष बनाने के लिए. कैसे विशेष बनाते हैं नाउन को? देखिए I saw the old man. अब देखिए यहाँ पे द ओल्ड मैन का मतलब है उसी वृद्ध, यानी कि उस वृद्ध से आप पहले से परिचित हैं, उसी वृद्ध की बात हो रही है. I saw the old man. तो ये ओल्ड मैन कैसा है? स्पेसिफिक है. और यहाँ पर अगर लिखे हम यहाँ पर बात किसकी करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की. तो ये नाउन की पोजिशन अनिश्चित बनाने के लिए. अनिश्चित कैसे होता है? जैसे कोई भी, आप उसके लिए कोई किसी विशेष चीज की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज की बात कर रहे हो. कैसे? आई सा एन ओल्ड मैन. यहां पर देखिए आई सा एन ओल्ड मैन का मतलब है कि मैंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा. आप घर से बाहर निकले और कोई भी बुजुर्ग जा रहा था तो आपने कहा कि सुबह सुबह तुमने किसी को देखा, तो आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक वृद्ध को देखा, यानी कि वो वृद्ध जिसे मैं जानता नहीं था. इसको देखिए एक एग्जांपल से करते हैं. द ओल्ड मैन हु मेट यू ऑन द वे वाज माय ग्रैंडपा. द ओल्ड मैन, अब ये उस विशेष वृद्ध आदमी की बात है जिसे तुम रोड पर मिले थे, वो मेरे दादाजी हैं. तो द कहाँ यूज हुआ? उस ओल्ड मैन के लिए जिससे आप पहले से परिचित हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वही वृद्ध आदमी, वही वृद्ध आदमी. और यहाँ पे कोई भी, एन ओल्ड मैन का मतलब कोई भी वृद्ध आदमी. तो ये भी क्या है, इनकी दो कैटेगरी है. अब बात करते हैं प्रोनंसिएशन किसकी? आर्टिकल्स की. इनकी प्रोनंसिएशन क्या होती है? अब देखिए इनकी प्रोनंसिएशन एक तो होती है सेंटेंसेस में, एक होती है इंडिविजुअली. अब देखिए सेंटेंसेस में इनकी प्रोनंसिएशन, ए को क्या प्रोनाउंस करते हैं? अ बोलेंगे. I saw a cat. I saw a doll. और एन को क्या करते हैं? अन. क्या करेंगे? अन. लेकिन इनके स्वतंत्र रूप से प्रोनंसिएशन जब बात करेंगे, अगर ये इस तरह से देखा जाए
तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए और इसको एल। अब देखिए, अब जैसे आप बात करते हैं द की प्रोनाउंसिएशन की, अब द की दो प्रोनाउंसिएशन होती है, इसको द भी करते हैं और दी भी करते हैं। द दी और दी, इसकी तीन प्रोनाउंसिएशन है। वो कैसे, अगर ऐसा कोई नाउंस है, नाउंस ऐसे हैं जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं किसकी, जैसे दी एंड, अगर आपने मूवीज देखते हो तो लास्ट में क्या लिखा होता है, दी एंड, दी एंड, यानी कि अगर वाउल से, अगर कोई भी नाउन किस से स्टार्ट हो रहा है, वाउल्स वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दी एंड। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे लिख दीजिए कैट, तो आप क्या लिखोगे, द कैट, द कैट, दी एंड, द कैट, दी एंड। पर अगर आप इसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करोगे तो आप करोगे दी, दी, इस पे फिर क्या होता है, थोड़ा सा जोर पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रेस हो गया, दी। तो इंडिविजुअली ए, एन और दी, ठीक है। और इनको सेंटेंसेस में करोगे अ, अन, दी या द। तो ये है इनकी प्रोनाउंसिएशन। अब हम इनकी क्या करते हैं, इनके कुछ यूजेस देखते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। आप देखिए बिफोर नाउन, ये बात तो वहां तक है कि हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज जो है बिफोर नाउन करते हैं, लेकिन हम एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले भी करते हैं और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले भी करते हैं। कैसे, देखिए ये बहुत आसान है, ही सा ए गर्ल, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एक गर्ल, आई सा ए गर्ल, सॉरी आई मतलब मैंने एक लड़की देखी, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है एक। तो हिंदी के वो मीनिंग देखते जाइए जो मैंने ए और एन के बताए थे, मैंने एक लड़की देखी, आई सा ए गर्ल, फिर ये क्या है, गर्ल है नाउन और नाउन से पहले, आई सा एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये दोनों है और इनसे पहले भी आया है, आई सा एन, मैंने एक इंटेलिजेंट लड़की देखी, मैंने एक होनहार लड़की देखी, आई सा अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और गर्ल क्या है, लड़की, मैंने बहुत इंटेलिजेंट होनहार लड़की देखी। तो ये इन तीनों से पहले यूज होता है, पहला यूज। दूसरा है टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, आप देखिए पूरी जाति या प्रजाति को भी बताया जाता है, किससे, ए और एन से। कैसे, अ लायन वॉक्स विद मैजेस्टिक गेट, अब यहाँ पे गेट क्या होती है, चाल, और मैजेस्टिक होती है शान की, तो एक जो बबर शेर है वो बड़ी शान से चलता है, तो यहाँ पे बबर शेर, यानी यहाँ पे एक लॉयन की बात नहीं हो रही, यानी सब लॉयन, सब बबर शेर जो है वो कैसी चाल चलते हैं, शान से चलते हैं या शानदार चाल चलते हैं। उसके बाद है अ हैप्पी चाइल्ड इज लव्ड बाय ऑल, अब एक प्रसन्नचित बच्चा सबको प्यारा होता है, या एक प्रसन्नचित बच्चे को सब प्यार करते हैं, तो ये प्रसन्नचित बच्चा एक नहीं, ये पूरी कैटेगरी की, यानी कि पूरी उसकी क्लास की बात हो रही है कि उसे सब प्यार करते हैं। जैसे अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, तो यहाँ पे एक डॉग की बात नहीं होती, यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात होती है कि जिसको कुत्तों की क्या होती है, पूंछ छोटी होती है, तो यहाँ पे ए का मीनिंग क्या आएगा, सब, सब कुत्ते जो होते हैं या सब, यहाँ पे ए हैप्पी चाइल्ड, तो यानी कि जितने भी प्रसन्नचित बच्चे हैं उन्हें सब प्यार करते हैं, तो ये पूरी क्लास की बात हो रही है। आप थर्ड देखिए, टू रिप्रेजेंट एन अनफेमिलियर पर्सन और एनिमल, अनफेमिलियर क्या होता है, अपरिचित। अब देखिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अनफेमिलियर पर्सन यानी कि अपरिचित व्यक्ति या एनिमल को। कैसे, अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि हम कहीं कहते हैं कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनसे पहले आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते, ए एन द नहीं लगाए जाते, पर कहाँ लगाए जाते हैं, देखिए ए राम वांटेड टू सी यू, आपके पास एक सिचुएशन है, यहाँ पे आप बाहर गए, आपको किसी ने कहा कि देखिए बाहर कौन है, आप गए तो उससे आपने पूछा किससे मिलना है, तो मुझे आपके पापा से मिलना है और मेरा नाम राम है, तुमने आपके पापा को क्या बताया, ए राम वांटेड टू सी यू, कोई राम, यहाँ पे ए का मीनिंग क्या है,
कोई राम, यानी कि कोई यहाँ पे है कोई, कोई राम आपसे मिलना चाहता था, आपने ये बताया। यानी कि अगर वो बंदा चला गया तो आप क्या कहोगे, ए राम वॉन्टेड टू सी यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता था। और अगर अभी अभी आपके पापा घर पे हैं तो आप कहोगे कि ए राम वॉन्ट्स टू सी यू, कोई राम आपसे मिलना चाहता है। तो ये राम से पहले कब लगा, जब हमने क्या किया, इसको अपरिचित बताना था, यानी कि हम इस राम को जानते नहीं है, तो इसको हमने क्या बता दिया, अराम। आगे देखिए, नोट एन आउल हुट्स देयर, वहां कोई उल्लू भी नहीं बोलता है, वहां पर कोई उल्लू भी नहीं बोलता, तो ये कैसा वो है, अपरिचित एनिमल के लिए आप करोगे, अनफेमिलियर एनिमल के लिए एन आउल आपने यूज किया। अब नेक्स्ट ये टू चेंज प्रॉपर नाउन इनटू कॉमन नाउन, यहाँ पे आपने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदलना है, और वो भी कुछ इसी तरह से ही मिलते जुलते हैं। ये नेक्स्ट यूज भी आपका, ही इज ए दिनकर, वो दिनकर जैसा है, इसका मतलब क्या है, वो दिनकर जैसा है, ये दिनकर कवि जैसा है। अब देखिए नेक्स्ट है, द वर्ल्ड नीड्स ए बुद्धा टू लर्न द लेसन ऑफ पीस, इस संसार को एक बुद्धा जैसे संत की जरूरत है, किसके लिए, शांति के लिए। तो यहाँ पे ए बुद्धा हमने क्यों लगाया, किसी बुद्धा जैसे संत की जरूरत है, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया, प्रॉपर नाउन किस में चेंज हो गया, कॉमन नाउन में चेंज हो गया। एक एग्जांपल दो फिर से देखिए आप, इंडिया नीड्स ए कपिल देव टू विन द वर्ल्ड कप, भारत को एक कपिल देव जैसे प्लेयर की जरूरत है, किसके लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो यहाँ कपिल देव के अपने लिए बात नहीं की, उसको कॉमन बना दिया गया कि ऐसे व्यक्ति ऐसे प्लेयर की जरूरत है। अब नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट एनी, आप देखिए ए और एन कहां पर एनी की सेंस देते हैं, यानी कोई की सेंस देते हैं, कैसे, मीनू डिडंट गिव हर ब्रदर एन एप्पल, अब यहां पर जो एन है ये कोई की साउंड दे रहा है, फिर से कैसे कोई की साउंड दे रहा है कि उसने अपने भाई को कोई सेब नहीं दिया, एन एप्पल यहाँ पे क्या आ गया, कोई सेब, जैसे देर वॉज ए किंग ऑफ काशी, तो क्या है, काशी का कोई राजा था, इसमें ए की साउंड क्या क्या दे रही है, ए का मीनिंग हम क्या लेंगे, कोई, जब क्या कहेंगे, काशी का कोई राजा था, तो ये किसका, यहाँ पर ए का मीनिंग क्या हो गया, कोई। अब नेक्स्ट देखिए ए एंड टू रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर, कहाँ पर ये प्रत्येक या प्रति, पर का मीनिंग क्या होता है, प्रति, और ईच एवरी का क्या होता है, प्रत्येक, इस तरीके का जो कैसे मीनिंग देते हैं ये देखिए थोड़े ध्यान से, माय फ्रेंड कम्स टू माय हाउस वंस अ वीक, यानी कि यहाँ पे वंस अ वीक का मतलब है प्रत्येक सप्ताह में एक बार, तो अ वीक का मतलब प्रत्येक सप्ताह, यानी कि मेरे मित्र मेरे से मिलने आते हैं प्रत्येक सप्ताह में एक बार, प्रत्येक सप्ताह में एक बार मेरे मित्र, मेरा मित्र मुझसे मिलने आता है। अब है मिस्टर अमन वॉक्स 5 किलोमीटर्स एन आवर, जो मिस्टर अमन है वो कैसी चाल चलते, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, मिस्टर अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, 5 किलोमीटर्स एन आवर, तो यहाँ पे इसको किसे लिखते हैं, प्रति घंटा की रफ्तार, इस तरह से बोलेंगे हम। नेक्स्ट है राइस इज सोल्ड एज रुपीज 40 अ किलो, अ किलो का मतलब प्रति किलो, तो चावल कैसे बेचा जाता है, 40 रुपए प्रति किलो की दर से, तो यहाँ पे अ किलो का मतलब है प्रति किलो। अब देखिए ए एन प्लस मोस्ट, यानी कि मोस्ट कौन सी डिग्री है, कम, ये सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले क्या आता है, द आता है, लेकिन अगर इससे पहले ए और एन आता है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, वेरी, कैसे होते हैं वो देखिए, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, वो बहुत सुंदर लड़का है। अब अगर द मोस्ट हो जाता है तो होते कि जिसे पूरी किसी चीज की हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं कि वो सबसे सुंदर है, नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग वेरी होगा, कैसे हुआ, ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, वो बहुत सुंदर लड़का है। दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल, वो एक बहुत रोचक क्या था, उपन्यास था। तो देखिए इसके कुछ और यूजेस, तो हमारा नेक्स्ट यूज है ए एन प्लस टू एडजेक्टिव्स, जी हाँ, टू एडजेक्टिव्स जो एंड के साथ जुड़े होते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर,
टीचिस अस। यहाँ पे बात एक की हो रही है कि एक टीचर जो कि ईमानदार और होनहार है हमें पढ़ाता है, या हमें एक ईमानदार और होनहार टीचर पढ़ाता है। अब देखिए दोबारा यहाँ पे आई हैव ए रेड एंड वाइट कार, मैं एक लाल और काले रंग की कार रखता हूँ, यानी मेरे पास एक कार है जिसमें दो कलर है। अब इसको आप दोबारा इन्हीं सेंटेंस को चेक कीजिए, यहाँ पे एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर्स टीच अस। अब देखिए यहाँ पे एन, अगर यहाँ पर एन एक ही बार आया था एन से पहले, ये दोनों एडजेक्टिव एन से जुड़े हुए हैं और एन सिर्फ एक बार आया है इन दोनों से पहले, तो यहाँ पर बात एक टीचर की हो रही है। पर यहाँ देखिए एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट, यहाँ पे अगर एन दो बार आता है और दोनों एडजेक्टिव एन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर बात दो टीचर्स की हो रही है। तो वहां पे आपका सेंटेंस किस तरह बनेगा, यानी कि दो टीचर हमें पढ़ाते हैं जिनमें एक क्या है ईमानदार है और एक होनहार है, यानी दो टीचर एक ईमानदार और एक होनहार हमें पढ़ाते हैं, तो इसका ये मीनिंग बन जाएगा अगर हम ये दो बार यूज करते हैं तो। जैसे आई हैव ए रेड एंड ए वाइट कार, तो आप देखिए आई हैव ए रेड, मेरे पास दो कारें हैं, तो इसमें हम क्या आ जाएगा वाइट कार्स ऐसे आ जाएंगी कि आई हैव ए रेड एंड ए वाइट कार, तो इसमें दो कारें हैं, मेरे पास दो कारें हैं जिनमें से एक लाल है और एक सफेद है, तो यहाँ पे इस तरह से ए जब हम लगाते हैं इन दोनों का डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा, तो ए और एन इस तरह से दो एडजेक्टिव के साथ आते हैं जो कि एन से जुड़े होते हैं। अब देखिए टू चेंज प्लूरल इनटू सिंगुलर नाउन्स, अब प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में कैसे बदला जाता है, देखिए फाइव ईयर्स प्लान पंचवर्षीय योजनाएं, अगर हम इनको सिंगुलर बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं ए फाइव ईयर प्लान, एक पंचवर्षीय योजना। अब देखिए यहाँ पे नाइन डेज जर्नी, यानी नव दिवसीय यात्राएं और ए नाइन डे जर्नी, एक नव दिवसीय यात्रा, इस तरह से हम किसको प्लूरल को किस में बदल देते हैं सिंगुलर नाउन को। अब नेक्स्ट देखिए हमारा टू चेंज ए वर्ब इनटू ए नाउन, यहाँ पे जब हम वर्ब को नाउन में बदल देते हैं तो भी हम क्या ए और एम का यूज करते हैं, कैसे हर मदर हैज गोन फॉर ए वॉक। अब देखिए वॉक क्या है वर्ब है और हमने इसको यहाँ पर क्या बना दिया नाउन बना दिया, वो किसके उसकी माँ किसमें जा चुकी है, उसकी माँ जा चुकी है किसके लिए घूमने के लिए वॉक के लिए जा चुकी है, तो अगर हम इस वर्ब को एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसकी पहचान क्या है इसके आगे हम ए लगाएंगे, ए या एम कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। अब देखिए मीना वॉन्ट्स टू हैव ए बाथ, मीना नहाना चाहती है, बाथ क्या है हमारा वर्ब और हमने यहाँ पर इसको क्या बना दिया नाउन। आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक और इसमें ड्रिंक क्या है वर्ब और यहाँ पे हमने क्या बना दिया इसको नाउन बना दिया, तो जब भी हम वर्ब को नाउन बनाएंगे हम आगे क्या लगा देते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एम। अब देखिए ए और एन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इनका बहुत यूज होता है, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग, व्हाट ए प्रीटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो व्हेन। अब नेक्स्ट देखिए इसका यूज व्हेन सो एज टू क्वाइट इज यूज बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले जब सो एज टू क्वाइट इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो भी हम ए और एन लगाते हैं, वो देखिए कैसे इट्स टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, देखिए अ पार्सल यहाँ पर हमने ए लगाया, इट्स टू आवर ये इतना हैवी पार्सल है कि मैं इसको नहीं ले जा सकता, इट्स टू हैवी ए पार्सल फॉर मी टू कैरी। तो हम नेक्स्ट करते हैं अब इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ए और एन, हम ए और एन कहाँ यूज करते हैं, तो अब हम करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ए और एन। अब हम कैसे देखें कि ए कहाँ पर आएगा और एन कहाँ पर आएगा, यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो कौन सा आता है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है फर्स्ट वर्ड फर्स्ट साउंड का कंसेप्ट आता है। कैसे ये फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट साउंड का कंसेप्ट क्या है, देखिए हम यहाँ देखते हैं पहली बात तो एन किस किन वर्ड्स के साथ आता है, उनके लिए कंडीशन होती है क्या, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होना चाहिए वाउल्स होना चाहिए, वाउल्स कितने हैं हमारे ए ई आई ओ यू,
ठीक है, और इसमें फर्स्ट साउंड कौन सी होनी चाहिए? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एफ एस, यानी फर्स्ट साउंड साउंड होनी चाहिए अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये यानी कि ये 11 क्या है हमारे स्वर है। तो एन के लिए क्या कंडीशन है? हमारा फर्स्ट वर्ड वाउल्स में से होना चाहिए और जो साउंड है हमारी वो किसकी होनी चाहिए? इन स्वर की होनी चाहिए, इनकी, इन स्वर की होनी चाहिए। अब देखिए ए के लिए क्या कंडीशन है, ए किन वर्ड्स के सामने आता है? जिनका फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? बी सी डी एफ जी, ये सारे क्या है? ये सारे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स, ये सब क्या है? वाउल्स। इनको क्या कहते हैं हम? स्वर। और ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं व्यंजन। तो ए की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, ए में फर्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी वाउल्स निकाल दो तो ये कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 21। और इनकी साउंड कौन सी होनी चाहिए? इनकी साउंड हिंदी में व्यंजनों जैसी होनी चाहिए, व्यंजन जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ड ड ड न त क द द न प प भ भ म य र ल भ श श स भ, ये कितने हैं हमारे? 33 ये व्यंजन है। तो ए के लिए कंडीशन फर्स्ट वर्ड होना चाहिए किसमें? कॉन्सोनेंट में से, और फर्स्ट साउंड हमारी कौन सी होनी चाहिए? व्यंजन में से। अब देखते हैं ये कैसे करते हैं हम। चलो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया एग, अब हम इसका फर्स्ट वर्ड चेक करते हैं। इसका फर्स्ट वर्ड है हमारा ई, तो कंडीशन फर्स्ट वर्ड की क्या है हमारी? क्या होना चाहिए? वाउल्स। तो ई क्या है? वाउल है, पहली कंडीशन क्लियर हो गई इसकी, यानी एन आना चाहिए। तो फिर हमने देखा फर्स्ट साउंड क्या है हमारी? ए, तो ए भी है हमारा स्वर भी है, तो ये कंडीशन भी क्लियर हो गई। तो यहाँ हमने क्या फील किया? एन। अब दूसरा हमारा देखिए यूनिट, अब हमारा क्या वर्ड है? यूनिट। अब पहली कंडीशन देखिए वाउल्स होना चाहिए, अगर हम एन लगाते हैं तो यू इसमें आता है, तो पहली कंडीशन क्लियर हो रही है, वाउल है यू। लेकिन अब देखिए साउंड देखते हैं, साउंड कौन सी है? या की, तो यहाँ स्वर में तो या नहीं आता, यानी एन के लिए दो कंडीशन चाहिए, वाउल्स भी होना चाहिए और स्वर के साथ भी मेल खाना चाहिए, लेकिन जो स्वर के साथ साउंड स्वर के साथ मेल नहीं खा रही, तो ये क्या है? यह साउंड है, और इसमें साउंड क्या है? कौन सी नहीं है? एन वाली साउंड नहीं है, तो यहां पे हम लगाएंगे ए, क्योंकि साउंड की कंडीशन क्लियर नहीं हो रही एन के लिए, तो यहां पर क्या नहीं लगेगा? एन गलत होगा, और राइट क्या होगा हमारा? ए। अब थर्ड देखिए एम एल ए, ही इज डैश एम एल ए, एम एल ए, यहां पर देखिए एम एल ए के आगे क्या आएगा? इनके बहुत सारे ऐसे होते हैं एब्रीविएशन, जैसे हम कहते हैं एमबीबीएस, एसएचओ, ठीक है, एमबीए, इन सब के लिए क्या यूज होता है? एम यूज होता है, एस यूज होता है, इस तरह से। तो इसके साथ क्या आएगा? देखो पहला वर्ड क्या है? एम, तो एन की कंडीशन, तो एन की कंडीशन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि स्वर नहीं है या क्या नहीं है? वाउल नहीं है, लेकिन स्वर की कंडीशन क्लियर हो रही है, साउंड क्लियर हो रही है, साउंड कौन सी है यहाँ पर? ए, यानी एम। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? एन भरेंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों कंडीशन ही पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर साउंड की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पर अगर हम एन लिखेंगे तो क्या होगा? राइट होगा, और ए क्या होगा? रॉन्ग होगा। अब देखिए वन, अब वन में कहने को तो ओ क्या है? ओ क्या है? वाउल्स है, लेकिन अगर हम स्वर की बात करें, दूसरी कंडीशन की बात करें, वो क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि व जो है वो स्वर में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ए। ये इस तरह से होते हैं, जैसे ए वन आइड पर्सन, जैसे कि एक काना व्यक्ति, वन आइड, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी में देखिए पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है यू, अब ये किसकी कम कर रहा है? ये वाउल्स की कंडीशन क्लियर कर रहा है, यानी एन आना चाहिए, लेकिन जब बात करें हम साउंड की, तो साउंड में तो स्वर है ही नहीं, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में पहला वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे एच, तो एच किस में है? एन की तो क्लियर नहीं होती यहाँ पे, एन नहीं लगा सकते अगर हम एच को देखें, क्योंकि एच वाउल्स में नहीं है,
लेकिन ये इसकी साउंड क्या है, ओ। तो साउंड को देख के हम यहाँ पर क्या लगेंगे, एन लगेंगे। तो ये हमारा क्या था, कंसेप्ट था डिस्टिंक्शन बिटवीन ए और एन, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट साउंड। इस तरह से हम इनको यूज करते हैं, किनको, वॉल्स को, ए और एन को इस तरह से यूज किया। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।